अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को क्लिक करके उसको ऑल कर दीजिए। सो हे गाइस, आप देख रहे हैं टैग आर्ट स्टूडियो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है राहुल देवनाथ और मैं आज शेयर करने वाला ओप्पो रेनो 5 Pro 5G का कैमरा टेस्टिंग और शेयर करने वाला कैमरा रिलेटेड हर एक डिटेल्स। सो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो मेरा रिव्यू ऑनेस्ट होगा, तो देखते रहे। और इसी फ़ोन के रियर में दिया हुआ है 64 MP का मेन कैमरा, 8 MP का वाइड एंगल कैमरा एंड 2 MP का माइक्रो कैमरा, 2 MP का मोनो कैमरा। इसी फ़ोन से लिया गया कुछ डे और नाइट का फोटो दिखाने वाला हूँ। यह है एक नॉर्मल पिक, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्लियरिटी बहुत ही अच्छा है। वैसे सनी डे था उस दिन, फिर भी फ़ोन का लाइटनिंग कंडीशन अच्छा ही है। और इसी फ़ोन के फ्रंट में दिया हुआ है 32 MP का सेल्फी कैमरा। अभी एक नॉर्मल सेल्फी देख लो, क्लियरिटी लेवल बहुत ही हाई है। AI मोड से मैंने कुछ फ़ोटो कैप्चर किए हैं जो क्लियरिटी बहुत ही अच्छा है और डिटेल ही समझ में आता सब कुछ। ये वाइड एंगल में कैप्चर किया गया कुछ फ़ोटो जो बैकग्राउंड पूरा शो होता है, बट क्लियरिटी इतना सही नहीं है, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। ये कुछ फ़ोटो फ्रंट और रियर पोर्ट्रेट में लिया गया है जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, बट प्रोफेशनली जो फोटोग्राफर है उनके लिए ये फ़ोन सही नहीं है। AI कलर पोर्ट्रेट में लिया गया एक सेल्फी जो ब्लैक एंड वाइट ओल्ड मूवीज़ की तरह। ये कुछ माइक्रो शॉट्स जिसको हम 100 मार्क्स नहीं दे सकते, 50-50 गुड और बैड बोल सकते हैं। मुझे पर्सनली नाइट में कैप्चर किया गया फ़ोटो अच्छा लगा, मगर फ़ोटो का क्लियरिटी एंड परफेक्शन डिपेंड करते हैं आप जहां फ़ोटो कैप्चर कर रहे हो वहां का लाइटिंग कंडीशन कैसा है। मुझे बैक कैमरा 60% सही लगा, पर जो लोग सेल्फी लवर है उनके लिए नाइट सेल्फी बहुत ही गंदा रहेगा। सेल्फी कैमरे को हम 10 out of 3 रेटिंग दे सकते हैं। यह है एक वीडियो सैंपल जो 4K में लिया गया है, तो देख ही सकते हैं। वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और ट्रैवल रिलेटेड वीडियो बना सकते हो। गाइस, आप वीडियो क्वालिटी देख लो, पूरा क्लियर दिखाई देता है। और ये मैंने शाम के टाइम लिया है जो काफ़ी स्मूथ क्वालिटी कैप्चर करता है। जैसे मान लो हम कहीं घूमने गए, जू, गार्डन, वाटरफॉल, हम लोग बहुत ईजीली मेमोरी कैच कर सकते हैं। यह है एक स्लो मोशन वीडियो, सही है। गाइस डोंट जज मी, मैंने वीडियो करने से पहले आई टुक हर परमिशन। वीडियो सैंपल दिख रहा है आपको, ये AI में लिया हुआ है। AI मोड मैंने ऑन किया है अभी, तो देख ही सकते हैं क्लियरिटी, स्काई का कलर पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। ये है फ्रंट बोके शॉट, फ्रंट बोके वीडियो आप देख रहे हैं, ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं हम इसी मदद से। यह है कुछ फ्रंट वीडियो शॉट जो देख ही रहे हैं, मैं सेल्फी मोड में ऐसे ले रहा हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसी कैमरे में। यह है एक रियर पोर्ट्रेट वीडियो सैंपल जो देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। लेकिन गाइस, जब हम वीडियो शूट करते हैं तब फोकसिंग में प्रॉब्लम करता है, और दूर से जब मूवमेंट करते हैं हम, तब पोर्ट्रेट पूरा गायब हो जाता है। यह है रियर AI कलर पोर्ट्रेट वीडियो सैंपल। सच में बोलूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वीडियो क्वालिटी बहुत ही लो है, ऊपर से पोर्ट्रेट काम नहीं करता है इसमें। ये देख सकते हैं ये ड्यूअल वीडियो मोड तो देख ही रहे आप। वीडियो में और भी काफ़ी सारे फीचर्स है, मुझे इतना यूजफुल नहीं लगा इसलिए शॉट नहीं लिया। ये वीडियो नाइट में शूट किया गया है और क्वालिटी कंपेयर करें तो अदर फोन से थोड़ा अच्छा है।
ये सेल्फी कैमरे से लिया गया नाइट पोर्ट्रेट वीडियो सैंपल, जो मैं फिर से बता दूं कैमरा क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो सेल्फी लवर है उनके लिए ये फ़ोन सही नहीं है। और मेरे से जितना भी हुआ मैंने ट्राई किया इसी फ़ोन से, जितना भी कैप्चर करने की फ़ोटो वगैरह वीडियोस कैप्चर किया इजीली आप लोगों को समझाने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। और मैंने मास्क नहीं पहना क्योंकि मुझे थोड़ा आउटरो अच्छा देना था, तो इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना। तो आप लोग कोशिश करना कि हर टाइम मास्क पहने। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।